हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसी थ्रिलर मूवीज के बारे में जो आप लोग को देखना चाहिए और साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इन दोनों फिल्मों को देख सकते हो। इन दोनों फिल्मों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस दोनों फिल्म में आपको बहुत ही अच्छा मैसेज भी देखने को मिलता है और प्लस इसमें से एक मूवी तो ऐसी है जो हॉलीवुड लेवल की है, क्योंकि इस तरह की फिल्म अगर हमारे इंडिया में बने तो मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन फाइनली इस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि ये मूवी अब आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। इस मूवी का नाम है और ये तेलुगु साइकोलॉजी का थ्रिलर मूवी है और हिंदी डब वर्जन में इस मूवी का नाम है अंतर्युद्ध। ये मूवी आपको कहां मिलेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस मूवी की कहानी क्या और ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। तो देखिए, मूवी की कहानी शुरू होती है 6 अलग अलग कहानियों से, यानी कि आपको यहां पर पहली कहानी देखने को मिली 2 लड़कियों की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरी कहानी एक लड़का जो शेफ बनना चाहता है, तीसरी कहानी एक छोटी बच्ची और एक जादूगर की है, चौथी कहानी एक लड़की जो कैफे में काम करती है, पांचवी कहानी एक लड़की की जो साइंटिस्ट बनना चाहता है और छठी कहानी एक लड़की की जो किसी का इंतजार कर रही है। तो ये 6 की 6 कहानी को डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। स्टार्ट के 45 मिनट तो आपको लगेंगे फिल्म में चल के आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है, उसके बाद खड़े रह के तालियां बजाओगे डायरेक्टर और राइटर के लिए और इस फिल्म का जो एडिटर है उसके लिए। पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने मैक्सिमम लोगों को ये फिल्म सेंड की, तो उन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा तो आधे लोगों को तो ये फिल्म समझ में नहीं और आधे लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और यही प्रॉब्लम है हमारे इंडियंस लोगों की, जो अगर डायरेक्टर कुछ अलग हटके कुछ ऐसा ट्राई करे जो वाकई में हॉलीवुड वाले बनाते तो हमारे इंडिया वालों को समझ भी नहीं आता और हॉलीवुड वाले की हमें तारीफ करते। अरे भाई, हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स को भी देखो जो इस तरह की फिल्में बना चुकी ऑलरेडी और आप लोगों ने देखी नहीं। लेकिन आप सबसे अच्छी बात है कि आपको ये हिंदी में देखने मिल जाती है, जिस मूवी का नाम है अंतर्युद्ध। ये मूवी आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने मिल जाएगी, प्लस अगर इसको तेलुगु वर्जन में देखना है तो आप उसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। अगर आपको हिंदी में ही देखना है तो आप यूट्यूब पे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहां से जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। मैं आप बोलता हूं कि डेफिनेटली आप इस मूवी को देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। परफॉर्मेंस वाइज सबका काम बहुत अच्छा है, लेकिन इस मूवी का जो असली हीरो है वो है राइटर, डायरेक्टर और एडिटर, बहुत ही अनबिलीवेबल काम करके दिखाया है। तो यार, इस मूवी को जरूर देखना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी मूवी जो है कनाडा मूवी। इस मूवी का कनाडा वर्जन नाम है आ कराला रात्रि और इसका हिंदी वर्जन नाम है घातक रात। अब इस मूवी की बात करो तो देखिए, एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ये भी मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, लेकिन फाइनली इसका भी हिंदी वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। खैर, इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है गरीब फैमिली से, जिस फैमिली में हमें एक बेटी और उसके माँ बाप नजर आते हैं। इतने गरीब है कि बहुत ही मुश्किल से इनके दिन गुजर रहे, इनका घर और उनकी जमीन भी गिरवी रखी हुई है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता और उनके घर में आता है अनजान मेहमान, यानी कि गेस्ट, यानी कि अतिथि। तो उसके बाद इनकी लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली ये इस मूवी में बताया। इस मूवी की लेंथ 1.5 घंटे की और ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। ये फिल्म में जो मैसेज दिया वो मैसेज कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी उस पर बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि जो लालच है, लालच ऐसी बुरी बला कि लालच में इंसान बहुत कुछ कर देता है। तो इस फिल्म में भी आपको एक ऐसा मैसेज देखने को मिलता है जो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आप इमोशनल फील करोगे और आप सोचोगे हाँ वाकई में डायरेक्टर ने और पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा है, एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्पेशली अनुपमा गौड़ा, उसने यहाँ पर काम बहुत अच्छा किया। तो कुल मिला के मुझे घातक राग ऐसी फिल्मों में से लगी जो वाकई में आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ इस फिल्म से सीखने को मिलेगा। प्लस इस मूवी में जो दौर बताया वो 1980 का दौर बताया, तो 1980 में हमारे जो इंडिया के गांव थे वो किस तरह थे, कितनी एक सादगी थी। एक बोलते हमारे इंडिया के गांव जो होते हैं वहां पर अगर आप जाके रह जाओ तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आपने वापस घर आओ। तो वो सब चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है जो बहुत अच्छा लगता है। ड्रोन के शॉट जो इस फिल्म में लिए गए वो भी शॉट भी बहुत अच्छे लगे। तो कुल मिला के ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो स्टार्ट में आपको ऐसा लगता है कि यार ये फिल्म चल क्या रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस फिल्म में जो मैसेज देने की कोशिश की डायरेक्टर ने बहुत अच्छा है। इस फिल्म को आप किसी दूसरी फिल्म से कंपेयर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग तुम्बाड़ मूवी से इसको कंपेयर करते, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम्बाड़ एक अलग लेवल की फिल्म है, ये एक अलग लेवल की फिल्म है। तो इन दोनों फिल्मों को कंपेयर मत करो, घातक रात को आप जरूर देखो, आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये दोनों फिल्मों को देख चुके तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये दोनों फिल्म कैसी लगी, और आपने ये दोनों फिल्म नहीं देखे तो क्या इस वीडियो के बाद आप ये दोनों फिल्म जाके देखोगे, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी तरफ से कुछ भी फिल्म मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी मुझे मौका मिले मैं देख के उसका रिव्यू करूंगा ताकि वो फिल्म मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचे। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख और आप सब आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। टिल देन।